बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज हम एक्सरसाइज 3.4 इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। उससे पहले आप लोग दो फार्मूले देख लें ज़रा। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ये इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, और या फिर इसको हम ये भी लिख सकते हैं इट इज़ इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। यानी यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है उसका स्क्वायर हम बना लेंगे, यानी अगर यहाँ पे 4 हुआ तो हम उसको 2 का स्क्वायर लिख लेंगे। तो कॉल हाइपरबॉलिक एक्स ओवर ए वेरिएबल ओवर कांस्टेंट प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर यानी जिसका स्क्वायर है वो एक लीनियर होना चाहिए, यानी उसका कोफिशेंट भी 1 होना चाहिए। लीनियर तो होना चाहिए लेकिन उसका कोफिशेंट भी 1 होना चाहिए। जो भी एक्सप्रेशन यहाँ पे हो स्क्वायर के अंदर वो लीनियर हो और उसका कोफिशेंट भी 1 हो, एक्स का कोफिशेंट 1 होना चाहिए। ये दूसरा फार्मूला बच्चों हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये इक्वल होगा नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, और ये इक्वल होगा साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी। तो आप इसको ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, दोनों तरह ठीक है। ये फॉर्म हमारे पास बन जाएगी, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। अब चलते हैं अपने बच्चों क्वेश्चंस की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर, उसका हमने स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक सेकंड, फिफ्थ और सिक्स्थ पार्ट करना है। सेकंड पार्ट हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, इसको हमने वैल्यूएट करना है। तो हमने लर्ट कर लिया आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। तो बच्चों इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन रखेंगे, इसको सेकंड फंक्शन रख लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वैसे ही सेकंड की इंटीग्रेशन 1 डी एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सेकेंड की इंटीग्रेशन और फिर होल इंटीग्रेशन। तो क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी एक्स माइनस, इसका डेरिवेटिव करें तो 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है एक्स स्क्वायर का 2x, और ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और साथ में 1 की इंटीग्रेशन आपके पास क्या आ जाएगी ये आ जाएगी x और साथ में dx। तो जो ये 2:2 से कैंसिल आउट हो गया, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन गया हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर
देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, माइनस एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। अब हमारे पास जिस तरह की नीचे फॉर्म है उस तरह के फॉर्म ऊपर बनाएंगे, तो आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस, तो हमने क्या किया बच्चों, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कर दिया, जिस तरह के फॉर्म नीचे थे ऊपर बनाने के लिए, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, तो हमने ए स्क्वेयर को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ऐड भी कर दिया, ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस, दोनों के नीचे अलग अलग लिखा, एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे, एक्स ओ एक्स इंटू स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स प्लस, बल्कि माइनस आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस, और ये ए स्क्वेयर तो कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें, वन ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स। तो ये आ गया हमारे पास बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर की पावर ऊपर 1 है, नीचे 1/2 है, नीचे वाली पावर ऊपर जाएगी तो 1 माइनस 1/2, तो ऊपर कितनी रह जाएगी, 1/2 पावर रह जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डी एक्स माइनस ए स्क्वेयर, और साथ में देखें क्या पड़ा हुआ है, 1 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। इसका हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, या तो इसको ऐसे लिख लें या आप ऐसे लिख लें, जैसे आपकी मर्जी। तो हम इसको लिख लेते हैं कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स ओवर ए, तो इसको लिख सकते हैं कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी, और इसको हम सी डैश लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ पे अभी ई आई बनेगा, उसको उधर लेके जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमने सब शुरू में लेट किया था, तो ये तो आई ही बन गया दोबारा, तो हमारे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस आई माइनस ए स्क्वेयर कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट सी डैश। अब ये इस आई को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ पे आई प्लस आई 2 आई बन जाएगा, 2 आई इज इक्वल टू सेम यही चीज़ आ जाएगी। फिर बच्चों आई इधर रहेगा और ये 2 इधर आके जब डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स ओवर 2 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर ओवर 2 कॉस हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस सी डैश ओवर 2, और सी डैश ओवर 2 आप इसको सी कह लें, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं सी डैश ओवर 2, इसको हम सी लिख लेते हैं, और हम आगे लिख लेते हैं कि सी डैश ओवर 2 को हमने सी ले लिया, और बच्चों यही हमारे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमने इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट करना है और 6th पार्ट करना है। तो बच्चों हमारे पास इसका 5th पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट,
इंटीग्रेट करें स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx इसको, तो हमने वैसे ही लेट कर लिया आई इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx। अब इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 dx। ये फर्स्ट फंक्शन ले लें, ये सेकंड फंक्शन, और इसको इंटीग्रेशन पे पार्ट्स करें, ये सेकंड फर्स्ट ले लिया और ये सेकंड ले लिया। इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो जो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर रूट वैसे ही, और सेकंड की इंटीग्रेशन 1 dx माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4, और सेकंड की इंटीग्रेशन जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था dx। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 तो वैसे रहा और इसकी इंटीग्रेशन एक्स आ गई, माइनस इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4, और एक्स स्क्वेयर प्लस 4 का डेरिवेटिव 2x और इसकी इंटीग्रेशन एक्स dx। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 2 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई आ जाएगा एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx। सर पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने क्या किया था कि 4 को ऐड भी किया था, सब्ट्रैक्ट भी किया था, तो हमने 4 को यहाँ पे ऐड भी कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, और इन दोनों के नीचे अलग अलग लिखेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 ओवर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 4 बाहर आ गया 1/ स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 dx। एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस, और ये ऊपर 1 है इसकी पावर, नीचे 1/2 है, तो ये आपके पास स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 आ गया dx प्लस 4, और इसको आप यूज़ कर लें जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले। देखिए 1/ एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर की फॉर्म बनानी है हमने, तो जो इसको हम लिख सकते हैं बस 1/ स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस ए यानी 2 का स्क्वेयर dx, ये वही फॉर्म हमारे पास मौजूद है। तो पिछले क्वेश्चन में हमने इनवर्स हाइपरबॉलिक इनवर्स वाला फार्मूला यूज़ किया था, इस दफ़ा हम नेचुरल लॉग वाला फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, आप कौन सा भी जो सा मर्जी यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस आई प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी डैश। इस माइनस आई को उधर लेके जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 4 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस सी डैश। और ये 2 को इधर लाकर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा i इज इक्वल टू एक्स ओवर 2 स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 4 प्लस सी डैश ओवर 2, और इसको आप नाम दे दें सी का, यानी इसकी जगह पे सिर्फ सी लिख दें, प्लस सी टेकिंग सी डैश ओवर 2 इज इक्वल टू सी। तो ये भी आंसर ठीक है, और अगर हम यहाँ पे इनवर्स वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं बच्चों, ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है आपका। अगर हम हाइपरबॉलिक इन्वर्स वाला फार्मूला यूज़ करते हैं तो क्या आता, आई इज इक्वल टू
एक्स ओवर टू स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस फोर प्लस टू, और यहाँ पे नेचुरल लॉग एक्स प्लस स्केयर रूट ऑफ एक्स स्केयर प्लस फोर की जगह हम लिखते साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स ओवर, और ए यहाँ पे कितना था, ए यहाँ पे टू था, एक्स स्केयर प्लस ए का स्केयर, ए यहाँ पे टू था, तो इसके मुताबिक हम क्या लिखते साइन हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स ओवर ए, तो आ जाता एक्स ओवर टू प्लस आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी, और ये भी ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर का लास्ट पार्ट है जो हमने करना है। वो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर का सिक्स्थ पार्ट। इंटीग्रेट करें एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स डी एक्स को, इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है जो कि क्वेश्चन नंबर थ्री का क्वेश्चन नंबर टू का फिफ्थ पार्ट था। एक्स क्यूब ई की पावर फाइव एक्स, ये हमने बच्चों पहले भी इस तरह का क्वेश्चन किया हुआ है, तो इसको सीधा सीधा हम इंटीग्रेट कर देंगे। ऐड किया आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स डी एक्स, ये फर्स्ट फंक्शन रखा, इसको सेकंड फंक्शन रखा इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर वैसे ही सेकंड की इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर सेकंड की इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डी एक्स और फिर सारे की इंटीग्रेशन। आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर ए एक्स और ए एक्स का डेरिवेटिव लेके नीचे लिखेंगे ए माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आएगा टू एक्स और इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी ई की पावर ए एक्स ओवर ए और साथ में हमारे पास डी एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, तो बच्चों अब यहाँ से हम टू ओवर ए को बाहर निकाल लेंगे और इसको दोबारा इंटीग्रेट बाई पार्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस टू ओवर ए इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स ई की पावर ए एक्स डी एक्स इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स अगेन, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ई की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस टू ओवर ए, और यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन एक्स है उसको वैसे ही सेकंड का इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स डी एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स सेकंड की इंटीग्रेशन ई की पावर ई की पावर ए एक्स डी एक्स और फिर सारे की इंटीग्रेशन, तो यहाँ से बच्चों आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ई की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस टू ओवर ए इंटू एक्स ई की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस, तो इसका डेरिवेटिव वन आ जाएगा और इसकी इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स ओवर ए और साथ में डी एक्स आ जाएगा, तो यहाँ से बच्चों आपके पास क्या आएगा आई इज इक्वल टू, तो यहाँ से हम लिख लेंगे एक्स स्क्वेयर ई की पावर ए एक्स ओवर ए माइनस टू एक्स ई की पावर ए एक्स ओवर ए स्क्वेयर माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये वाला टू और ये वाला ए और ये ए मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा टू ओवर ए स्क्वेयर इंटू ई की पावर ए एक्स डी एक्स। बच्चों इसको दोबारा से आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ओवर ए
ए की पावर ए एक्स माइनस टू एक्स ओवर ए स्क्वायर ए की पावर ए एक्स प्लस टू ओवर ए स्क्वायर ए की पावर ए एक्स ओवर ए आ जाएगा आपके पास प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी। तो अल्टीमेट आंसर बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए ई की पावर ए एक्स माइनस टू एक्स ओवर ए स्क्वायर ई की पावर ए एक्स प्लस टू ओवर ए क्यूब ई की पावर ए एक्स प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट सी, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। तो जो इन क्वेश्चंस को आप लोग करें, नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।